हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप देख रहे हैं हैप्पी क्लब। गाइस, आज हम लोग नालागन रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। आज मेरे साथ केविन भी है, मेरा दोस्त जिसका काम से जा रहे हैं। घर वेर वेर के भी बोर हो रहा था, सिर्फ आने तरफ घूम भी लेगा। गाइस, हम आज आपको मेरा बाइक का स्टोरी शेयर करेगा। वाई आई पिक दिस बाइक। ये प्राइस पॉइंट में आपको दूसरा बहुत सारा बाइक देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम R15 क्यों लिए हैं और आपको भी R15 क्यों लेना चाहिए, और इनकेस आप ये बाइक लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका शायद मदद आ जाए। अगर आपको फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक पसंद है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। ये सेम रेंज में RC 200, RS 200 और मिक्सर ऐसे, लेकिन आपको R15 क्यों लेना चाहिए ये वीडियो में आपको हम बताएगा। और सबसे पहले, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट बाइक होगा। ये बाइक का बेस्ट पार्ट है इसका इंजन। ये इंजन आपको पावर प्लस माइलेज का कॉम्बो देगा, और दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन इंजन यामा हैज एवर मेड। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये बाइक को ले रहे बोलने से आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसका इंजन बहुत रिलायबल है। और अगर आपको इनिशियल पिकअप मेथड करता है बोलने से, आप RC 200 और RS 200 के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको इनिशियल पिकअप इतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन उसके बदले आपको टॉप एंड अच्छा मिलता है। R15 में आपको एडवांस BBA टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जो 7000 RPM के बाद एक्टिवेट होता है। आपको बाइक का डिफरेंट करेक्टर देखने को मिलेगा, और इसका पिकअप आपका बढ़ जाएगा 7000 RPM के बाद। और मेरा वाला तो M एडिशन है, जिसमें इनबिल्ट क्विक शिफ्टर आता है। क्विक शिफ्टर का तो सिटी अंदर इतना यूज़ नहीं है, बट हाईवे के लिए अच्छा है, और ओपन एरिया में तो अच्छा काम करता है। साथ में आपको एडवांस डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, और डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड मिलेगा, और फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन बॉक्स मिलेगा 37mm का, और बैक में मोनोशॉक सस्पेंशन तो ये बाइक का अच्छा है सेटअप जो। और बहुत लोग का ये डिज़ाइन और लुक्स को लेके ये बाइक को भी पसंद करते हैं। वैसे लुक्स तो सब्जेक्टिव है, आपको पसंद आएगा कि नहीं आपको ऊपर है। मेरा तो ये बाइक को लेने का मेन रीज़न था पोस्चर। इस पोस्चर के बारे में इसको लेके तो अपने लोग को बहुत कंप्लेन है, लेकिन भाई यही चीज़ का असल में पैसा है। ये कॉकपिट, ये एग्रेसिव पोस्चर, इंजन का पावर डिलीवरी और बाइक का लुक्स एक अलग ही करेक्टर बिल करते हैं। और हाँ, ये बाइक का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, ये बाइक आपको हमेशा कन्फिडेंट फील करेगा। यही सब रीज़न था हम ये बाइक को पिक करने का। और बहुत सारे आदमी लोग पूछ रहा था कि क्लासिक 350 क्यों नहीं लिया उनके, लेकिन मेरा टेस्ट अलग है। हमको कंफर्टेबल बाइक इतना पसंद नहीं है, हमको कमिटेड बाइक पसंद है। बाइक ऐसा होना है ना, जब भी लेके निकलेगा कुछ चला रहे ऐसे फील आने, फन तो रहे तो नहीं, एक नॉर्मल बाइक मज़ा नहीं आता भाई। ये बाइक थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन ये जो जो चीज़ आपको ऑफर करते हैं बेस्ट इन सेगमेंट है। और आप अगर इसको परचेस कर सकते हैं बोलने से, या फिर आपको ले सकते हैं बोलने से, ये बाइक आपको वर्थ होगा टोटली। मेरे हिसाब से तो वर्थ ही है। आपका जितना एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव कॉस्ट किया था, आपको पेट्रोल का थ्रू जस्टिस मिल जाएगा। माइलेज यह बाइक का बहुत अच्छा है, 45 टू आपको 50 का एवरेज देखने को मिलेगा ये बाइक में। मेरा बाइक तो 1 साल होने वाला है, इसलिए आपको हम रिव्यू दे पा रहे हैं। अभी तक तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं दिए। इन माई ओपिनियन, आप अगर ईटानगर से हो तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ का सर्विस सेंटर ईटानगर में बेस्ट है मेरे हिसाब से, और बाकी का इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला अभी तक। और बाकी आपका चॉइस है, आप कौन सा टेस्ट का अकॉर्डिंग बाइक चूज़ करते हैं, और आप कौन सा नीड के हिसाब से आप बाइक को परचेस कर रहे हैं।
आई होप आपको मेरा वीडियो का थ्रू कुछ हेल्प मिला होगा। गाइस आज हम रेलवे स्टेशन आए, तो उस पर कुछ काम था, व्यू चेकआउट करो। आज का मौसम बहुत बढ़िया है, धूप भी निकल रहा है, हवा भी मार रहा है, और ये नालागन रेलवे स्टेशन। कहाँ तक जाते हैं? यहाँ दुकान है क्या? दुकान है क्या? यहाँ पे धोनी पोलो एक्सप्रेस, शायद धोनी पोलो नहीं है, राजधानी है ये शायद, धोनी पोलो एक्सप्रेस गुवाहाटी जाने वाला। इतना आइडिया नहीं है ट्रेन के बारे में, चेकअप कर। ऊपर से दिखाते कितना लंबा है, देखो भाई वो है ना गालो हेरिटेज वाला। और देखो वहाँ पे बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वो गालो हेरिटेज है, शायद मोपिन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। करेंगे